Because Congress leader and MP Randeep Singh Surjewala has issued a clarification over his Rakshasa's remark. While taking a dig at the Bharatiya Janata Party, he claimed that violence and injustice is the work of demonic nature. He blamed the Modi-led government for hiding its failures by killing an issue, by selectively picking words. He has maintained that it is his religion to raise public issues and he will continue to do so till his last breath. Congress, on the other hand, has maintained that Surjewala's remark were with reference to the BJP and RSS's ideology and he didn't mean to disrespect the voters. Previously, in a public gathering, Surjewala has said that those who vote for the BJP and were BJP supporters have tendency of Rakshasas, meaning demons. He also cursed BJP voters. The BJP had strongly condemned his remarks while pointing towards dynasty politics, retorted that this exposes the Congress's mindset. कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररेलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है, निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है, जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के, उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। सर ये बताइए, इस तरह का बयान कि जो बीजेपी को वोट देती है जनता वो राक्षस है, तो आप लोगों को तो हमला करने के लिए बहुत कुछ दिखता है इसमें। देखिए, कांग्रेस ने हर समय लोकतंत्र में जनता का अपमान किया। ये नेहरू परिवार की मानसिकता है और उसके संस्कार है। जिस लोकतंत्र में जनता को ही भगवान माना जाता है उसको वो राक्षस कह रहे हैं। जिस लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से आप सत्ता तक पहुंचते हो या पहुंचते आए हो उसको श्राप देने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सा घमंड है, ये कौन सा अभिमान है? पर ध्यान रखिए, इस अभिमान का जवाब जनता अब चुनाव में श्राप देकर कांग्रेस को देगी। I have not seen this video, but definitely BJP has destroyed this country, and he would have been speaking as far as the ideology of RSS and BJP is concerned. देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो बात कही है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में चरम पर महंगाई है, बेरोजगारी है, और
देश में पूरी तरह से जात और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा है, तो किसी भी तरह से सामान्य जन के लिए के हित में नहीं है। ये सब चीजों का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बात कही है। All right, let's go straight across to my colleague Niyamika, who's joining us live on the broadcast for more details. Niyamika, if you could please tell us about the clarification which Congress leader Randeep Singh Surjewala has issued over his Rakshas remark. Absolutely, a tweet has been made on the part of the Congress General Secretary Randeep Singh Surjewala after his video has got viral, and there were several statements which had come on the part of the BJP leadership regarding this entire matter, in which he was being clearly seen saying that whoever has voted for the BJP, he has called them Rakshas. So for that matter, now the BJP leaders have strongly reacted over this entire matter. And after that, Randeep Singh Surjewala has given out a clarification on his tweet by saying that he was speaking about the policies of the BJP government, as he mentioned about the paper leak scam or the Brijbhushan Sharan Singh matter. And apart from that, he has also mentioned about the recent violence which had taken place in the new district of Haryana, as he has mentioned that all of these policies of the BJP government are clearly demonic, as that is the reason why he has given that kind of statement. And he is not at all scared with the BJP leadership, and for that matter, he has given out a clear-cut message through Twitter. On the other hand, there are several of the Congress leaders who have also reacted over this entire matter, and they have also said that the common man is suffering due to the policies of the BJP, whether it is about the high inflation or the unemployment rate, and that is the only reason why such kind of comments are being made on the part of Randeep Singh Surjewala in Kethal. Right, Niyamika, thanks very much for putting that into perspective for our viewers.